मुंबई स्थित अंधेरी में के पवार फिल्म एकेडमी कार्यालय का उद्घाटन भाजपा कामगार अघाड़ी के राष्ट्रीय सचिव संजय केनेकर के हाथों फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि विजय सरोज, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल अनीता वर्मा, पायलट पराग पाटकर, पायलट अम्रपाली पाटकर, अभिनेत्री वैशाली शाह, संजना काले, अजय सोनी, क्लैप टैप स्टूडियो से प्रिय अग्रवाल और अन्य अतिथि उपस्थित थे। कैलाश पवार ने आए हुए अतिथियों का फूल गुच्छा और साल देकर सम्मानित किया। संजय केनेकर ने मीडिया से बातचीत में जमकर कैलाश पवार के कार्यों की सराहना की और साथ ही कहना था कि इस पवार एकेडमी की कार्य के लिए अच्छे कार्य किए जाएंगे। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, मौजूद लोगों का देखिए खास रिपोर्ट। जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्म दिलाई है और बड़ी बड़ी फिल्म को मार्केट दिलाया है, लेकिन जिन्होंने मार्केट दिला ऐसे वर्करों का मार्केट चले गया है और उनकी हालत, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए इस फिल्म जगत में, जिन हीरो ने, उन हीरो के दर्शन के लिए जो काम कर रहे थे, उस कैमरामैन, मेकअप मैन, स्पॉट बॉय और सभी कामगार वर्ग, इनकी हालत इतनी बेकार हो चुकी है कि मैं एक हरदम बोलते रहता हूँ, इन तीनों में इन ये कामगारों का भ्रमण चल रहा है। और वो भ्रमण बोले तो एक साहूकारी बीमारी और नशेखोरी। नशा साहूकारी बीमारी, नशा करने के लिए पैसा लेना और वो नशे की वजह से बीमार होना, ये जो मैं देखा, मैं घूम के देखा हूँ फिल्म स्टूडियो में, वो गोरेगांव में क्यों, क्या लोगों के हाल है, रहने को जगह नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, कोई सरकार की स्कीम उनके तक नहीं गई है, ये बहुत बुरे हाल है। आज आप कैमरा लेके खड़े रहते हो, लेकिन एक कैमरा अगर आप उस घर पे लेके गए कि जिन्होंने धर्मेंद्र की पिक्चर निकाली थी, अमिताभ की पिक्चर निकाली थी, जिन्होंने राजकुमार की पिक्चर निकाली थी, उस कारागिर को आपने अगर ढूंढ के निकाला तो उसकी हालत क्या है, क्या है बोलो तो, 20-20, 25-25 सालों से चित्रपट युग में काम करने वाले कामगार को उसका हक का घर नहीं मिला, हक का राशन कार्ड नहीं मिला। हम एक तरफ बोलते पेट को अनाज, कपड़ा, मकान, लेकिन आज परिस्थिति वैसी नहीं रही, मकान तो मिला ही नहीं, शिक्षा नहीं मिल रही है, आरोग्य की कोई सुविधा नहीं मिल रही है इन कामगारों को। तो ये करने के लिए आज हम कामगार आघाड़ी को कैलाश पवार को जैसे को हमने सेक्रेटरी बनाया, भाई कोई भी चीज को तू फिल्म इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कर, लेकिन इस चीज को मुद्दे नजर रख कि कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के तरफ तेरा बेदखल होना नामुमकिन है, तो बेदखल नहीं होना है, उनको लेके काम कर। इसलिए इस सामाजिक सुरक्षा को लेते हुए आज इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, जिसमें पंतप्रधान बीमा योजना का विमोचन भी किया है, उसका काम भी किया है, पंतप्रधान सुकन्या योजना का काम किया है, जीवन ज्योति बीमा योजना का काम किया है। इसके तहत सामाजिक सुरक्षा कामगारों की बन चुकी है और उस सामाजिक सुरक्षा से उसको कभी भी कोई घटना में उसको उसके इलाज के लिए पैसा मिल सकता है, उसके शिक्षा के लिए पैसा मिल सकता है, उसका जीवन मान सुधारने के लिए पैसा मिल सकता है। ये 5,000 लोगों का काम इस कैलाश पवार ने महाराष्ट्र के अध्यक्ष विजय सरोज के इनके नेतृत्व के नीचे किया है और इसका मुझे अभिमान है और भारतीय जनता पार्टी को भी अभिमान है। हम प्रथम था, प्रथम देश, फिर समाज, फिर पार्टी और फिर मैं, ये संस्कार से हम चल रहे हैं और यही संस्कार से आज ये इंस्टीट्यूट का हमने उद्घाटन किया। निश्चित स्वरूप से ये प्रोफेशनल चलेगा, लेकिन सोशल प्रोफेशनल चलेगा कि सामाजिक बांधिलकों को देखते हुए, नजर करते हुए हम ये स्टूडियो चलाएंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जय हिंद। कामगारों का हमारा ये है कि जैसे हमारे भाजपा चित्रपट कामगार आघाड़ी है,
ये बेसिकली दूसरे यूनियन की जैसे नहीं है कि हम कार्ड लेके पैसे लेके हम उनको कार्ड देते हैं। हमारा एक ऐसा यूनियन है जो हम पैसे नहीं लेते और एक्चुअली हम सबको हेल्प करते हैं इसमें। और मेंबरशिप फ्री है, मेंबरशिप फ्री है हमारा, जो भी है मेंबरशिप फ्री है। सुविधा ये जो हमारी जो योजना है जनधन योजना है सर, जो गवर्नमेंट का योजना है वही हम ले रहे हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में हम कोई पैसा किसी से लेते नहीं है ना। जो भी हमारे जो कार्ड के पैसे लगते हैं 20,000-25,000 जो भी लगते हैं वो हम बिल्कुल नहीं लेते। सबसे प्लस पॉइंट हमारे जो अध्यक्ष साहब ने बोले कि हम कोई फेडरेशन का कार्ड जैसे मेंबरशिप नहीं देती, ये सबसे बड़ी बात है सर। आज फिल्म सिटी में काम भी करना है तो आपको कार्ड चाहिए, और विदाउट कार्ड को आपको फिल्म सिटी में एंट्री नहीं। तो अध्यक्ष साहब ने जो कहा आज, कार्ड हमारे चित्रपट कामगार अकाडमी अगर दे रही है तो ये सबसे बड़ी बात है सर। और सबसे पहली बात तो हमारी सबसे बड़ी ताकत ये है, कोई भी फेडरेशन अगर किसी को भी काम करने से रोकती है तो भाजपा चित्रपट कामगार अकाडमी वहाँ पे दमदार से खड़ी रहती है। और ऐसा नहीं है भारत देश में हम कहीं भी काम कर सकते हैं, हमें मतलब किसी को राइट्स नहीं है कि किसी का काम रोकने के लिए। अगर ऐसा अगर आप लोग के नज़र में कोई आता है तो डायरेक्ट हमें आप कॉल कीजिए, हम उनकी मदद करेंगे। आपको एक बताता हूँ, ऑफलाइन लो नहीं तो ऑनलाइन लो कुछ बात नहीं है, लेकिन चर्चा ऐसी बात है। यहाँ बम्बई में एक धंधा चला है फेडरेशनों को कि कार्ड देना, बाहर से जो बच्चे आते हैं दिमाग में हीरो बनने का रहता है तो सब कुछ लुटा देने में बैठे हुए रहते, तो इतनी लूट कुछ फेडरेशन करवा लेते हैं इन लोगों से। वो उसको रोक लगाने के लिए कोई फेडरेशन का कार्ड हम बोले तो जो देने का होते हो, लेकिन हमारे फेडरेशन का कार्ड नहीं है। जिसको सही कलाकार है उसको संधि मिलना चाहिए, और वो संधि का उसको कुछ करना आना जरूरी है, इसलिए हमने उसको सपोर्टिंग, हमने कोई ऐसा पैसा लेके काम नहीं करने का हमने तय किया है। भगवान दत्तात्रेय के जीवनी पे ये मूवी बनी है। हमारे इंडस्ट्री में मराठी मूवी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट 40 लाख सब्सिडी देता है। एक्चुअली इस मूवी में हम सभी काफ़ी कलाकारों ने सब मिलकर ये मूवी प्रोड्यूस किया है, बनाया है, 7 स्टेट में शूटिंग किया है, अलग अलग प्रांतों में जाके शूट किया है। और इसमें हमारे मूवी में श्री आदरणीय अन्ना हजारे ने भी इस मूवी में किरदार किया है, और अमृता फडणवीस जी उनका एक सॉन्ग भी है। सो ये दोनों फेस को देख के मेरे मूवी को कुछ अभी बोलना नहीं चाहूँगा मैं, ये दो लोगों को देख के मेरे मूवी को समिति वाले को बोल के गवर्नमेंट समिति को, तो इसको रिजेक्ट किया गया है। आप मैं बोलना चाहूँगा उन लोगों को कि तुम कितने दिन ऐसे एक मराठी फिल्म जो डिवोशनल है, धार्मिक मूवी है, जो हमारे संस्कृति को बढ़ावा देती है, इस मूवी को आप अगर अनुदान के लिए अगर उसको रिजेक्ट करते हो, ये नंगे बुंगे मूवी के लिए आप उनको बड़ापन देते हो, उनको अनुदान देते हो, तो सो मैं चाहूँगा कि आप कोई अच्छे मूवी शॉर्टलिस्ट करके उसको बढ़ावा दो प्रोड्यूसर को, और उसे अच्छा मूवी बनाने के लिए हमारी जो भगवान की मूवी आजकल बनी नहीं रही है कहाँ है हम, और उस मूवी को आप रिजेक्ट करने के लिए ये करते। मैं आज बहुत कुछ बोलने वाला था लेकिन साहब ने मना किया है, मैं बोलना चाहता था काफी। क्यों कि मेरा समझ लीजिए क्या सा कहा कि उन्होंने, हाँ रिजेक्ट किया है कि देखो मैंने एक टॉपिक देखो यहाँ पे है, अन्ना हजारे जी ने अभी तक 50 साल में मूवी नहीं देखी है। मैं बीजेपी का चित्रपट आघाड़ी का महाराष्ट्र का सेक्रेटरी हूँ, यहाँ पे ये भी देखा जाता है, यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय को नहीं देखा गया है, यहाँ पे 7 स्टेट में शूटिंग है, यशराज में शूटिंग किया, नितिन गडकरी जी के हाथ से पोस्टर लॉन्च किया मूवी का। अगर तुम ऐसे ऐसे धार्मिक मूवी को अगर रिजेक्ट करते तुम कौन से सरकार तुम्हारा टिकेगा, और तुम बड़े बड़े खुद को टाइगर समझ के एक महाराजा समझ के तुम बड़ी बड़ी स्पीच दोगे काम के, तो हमारे आज करा कितने कलाकारों ने सुसाइड की है, 57 कलाकार जो हमारे साथ लिस्ट है, हमें हमारे किसी कलाकार के ऊपर कोई नहीं बोलता है, तुम्हारे अलग ही बोलते हो, अलग ही कार्य कर रहे हो। अरे तुम इधर देखो तुम्हारा कार्य लोगों को दिखता है, बोलने वाले सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन कार्य, आज हमें फील हो रहा है कि ऐसे मूवी को अगर तुम लोग नहीं देखो तो हम जैसे प्रोड्यूसर कहाँ खड़े होंगे। सबसे पहले आप सब पत्रकार भाइयों का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा, आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, और उसके बाद मैं कैलाश जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा इस एकेडमी के लिए, और संजय केनेकर साहब आए हैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन है।
मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि जो कि बेकार जो बेरोजगार हैं, जो पुरानी फिल्में संजय साहब ने बोला कि जो पीछे पुरानी फिल्में बनती थी उनमें जो काम कर रहे थे आज उनको काम नहीं मिल रहा, तो बहुत सपोर्ट करें संजय जी, कैलाश जी को अपॉर्चुनिटी मिली है, कैलाश जी को बखूब निभाएं और अच्छा नाम हो एकेडमी का, लोग अच्छे अच्छे लोग जुड़ें, जो बेरोजगार उनको काम मिले, यही हमारी शुभेच्छा है। मैं अनीता वर्मा, पहले सबको नमस्कार करती हूँ। मैं अनीता वर्मा क्राइम कंट्रोल की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं कैलाश जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं एक बार कैलाश जी से मिल के गई थी कैलाश जी से, और उन्होंने मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोला था। मैं उसी दिन से मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इतने यंग एज में आपका दिमाग इस सात्विक में कैसे चले गया। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोल के एक प्रोजेक्ट दिखाया था। वो देखने के बाद मैं पूरी महाराष्ट्र के क्राइम के ऊपर मैं कहीं ना कहीं कहीं भी मैं छापा मारती हूँ, और कहीं भी मैं अनेकों लोगों को मैंने पुलिस के हवाले किया है। लेकिन मेरे ये आदमी से मिलने के बाद मुझे ये मूवी और ये अंधेरी जगह के नाम से ही मुझे मालूम था कि यहाँ खाली करप्शन होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ इतने अच्छे लोग भी रहते हैं।